धरमजयगढ़ वन विभाग की संवेदना अभियान लगातार जारी है। इसमें सकारात्मक परिणाम के साथ काफी तेजी भी देखी जा रही है। इसमें विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लोगों में जागरूकता लाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण इस अभियान में संबंधित विभाग के साथ राजस्व, विद्युत व पुलिस विभाग सहायतार्थ है। धरमजयगढ़ वन मंडल में चलाई जा रही महत्वपूर्ण संवेदना अभियान में जागरूकता नामक सीढ़ी से वन्य जीव और वनों की सुरक्षा पर अहम प्रकाश डाला जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि धरमजयगढ़ वन मंडलाधिकारी अभिषेक जोगावत के दिशा निर्देश में जारी संवेदना अभियान में स्थानीय ग्रामीणों को वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा के बारे में अवगत कराया जा रहा है। अवैध तरीके से जंगल में शिकार के उद्देश्य से बिछाए जाने वाले जीआई तार से होने वाले वन्य प्राणियों के नुकसान, स्थानीय ग्रामीणों की जान हानि और पशुधन के नुकसान के संबंध में जानकारी दी जा रही है। ग्रामीण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन अपराध, सजा के प्रावधानों आदि से अवगत कराया जा रहा है। धरमजयगढ़ रेंज के सामहर सिंघा, क्रोंधा, बर्तापाली और चैनपुर गांव में शिविर लगाकर वन्य जीव संरक्षण संबंध में अनेकों बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वहीं फॉरेस्ट दैनिक वेतन भोगी पुरुषोत्तम ठेठवार द्वारा लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया। जंगलों में वन्य जीव के शिकार के लिए करंट प्रवाहित तार बिछाने जैसा गंभीर अपराध करने से बचने के लिए समझाइश दी गई। जंगलों में आग न लगाने व वनों को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाने के लिए समझाया गया। वन्य जीव और जंगल है तो जीवन है, जैसे तमाम समझाइश के बाद संरक्षण को लेकर शपथ दिलाई गई। इस संवेदना अभियान में मुख्य रूप से शेख अक्रम डिप्टी रेंजर, गौतम राठिया डिप्टी रेंजर, कुश कुमार कुर्रे, रामेश्वर सिदार, गीता राठिया, श्याम कुमार अगरिया, दिनेश भगत, जीवन पटेल समेत स्टाफ उपस्थित रहे। धरमजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।